हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनवी चैनल पर मैं नितिन आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक ब्रूडर आप कैसे तैयार कर सकते हो। हाँ, अगर आप ऑटोमेटिक ब्रूडर का इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो मॉर्टेलिटी होती है दोस्तों वो 0% पे आ जाएगी, आपका कोई भी चूजा नहीं मरेगा। इस ऑटोमेटिक ब्रूडर के अंदर आप बॉयलर, डक, चिकन, बटेर कोई भी चिक्स को पाल सकते हो और उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से कर सकते हो। ज़्यादातर ऑटोमेटिक ब्रूडर बटेर के चूज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों, और चिकन के। ऑटोमेटिक ब्रूडर बनाने के लिए आप लोहे की चद्दर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर वेस्टेज कार्टून यानी जो गट्ठे के बॉक्स आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। परमानेंट ब्रूडर बनाना है तो आप लोहे की चद्दर लेना। टेम्प्ररी ब्रूडर बनाना है जैसा मैं अभी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए बना रहा हूँ, तो मैं ये गट्ठे के कार्टून बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। कार्टून बॉक्स को मैंने छील के अच्छी तरह से लंबाई बना ली है और उनको मजबूत करने के लिए अपना जो सेलो टेप आता है दोस्तों 2 इंच वाला उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और उन्हें आपस में जोड़ने के लिए स्टेपलर की पीना लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं करना है, मैं इसे सिर्फ 1 दिन इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी ब्रूडर मेरे फॉर्म पे है। ये तो मैं वीडियो बनाने के लिए देसी जुगाड़ बताने के लिए दोस्तों ये आपको बना के बता रहा हूँ, करके मैं इसको ज़्यादा मजबूत नहीं बनाऊँगा। आप अगर परमानेंट यूज़ करना चाहते हो तो लोहे की चद्दर का इस्तेमाल कर सकते हो, वो अच्छी तरह से गोल भी आ जाएगी। जितने आपके ब्रूडर गोल रहेगा उतना दोस्तों चिक्स का एक जगह इकट्ठा होने का जो डर होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का वो कम होता है। आप देख सकते हो मैंने गट्ठे को पूरी तरह से लंबा बना लिया है और ये जो नीचे का जो ब्रॉकेट है दोस्तों वो उसे खड़ा रहने में मदद करता है, करके मैंने उसे फोल्ड करके आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ रहा हूँ। और मैंने आपको बोला मैं टेम्प्ररी बना रहा हूँ, करके स्टेपलर पिन मार रहा हूँ। आप इसकी जगह दूसरी और कोई चीज़ का इस्तेमाल करके इसे फिक्स कर सकते हो। इसके अंदर अब हम पेपर बिछाएंगे, वो आप वीडियो में देखिए। लेकिन उसके पहले बता दूं, अगर कोई नए मित्र पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए दोस्तों, ब्रूडर के अंदर 500 वाट वाली हैलोजन हम यूज़ कर रहे हैं, करके ये दोस्तों 500 वाट वाली जो रॉट आती है उसका स्टैंड, आप इसे कंगन भी बोल सकते हो, होल्डर भी बोल सकते हो, आपके तरफ क्या बोला जाता है मुझे पता नहीं, हमारे तरफ कंगन बोलते हैं। बीच में 100 का 50 का 60 का लाइट लगाना है दोस्तों, ताकि जब हीड बनाने वाले लाइट ऑफ हो जाए तो उजाले के लिए मैं एक यहाँ पे 100 वैट के बल्ब के लिए होल्डर भी लगाऊंगा। फिलहाल मैंने जो कूलर को पानी रखने के लिए नीचे टॉप होता है दोस्तों उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं ब्रूडर बनाने के लिए। मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ा था उसको मैंने छेद कर दिए हैं और उसके अंदर हैलोजन रॉड की कंगन जो है दोस्तों वो नट बोल्ट से फिट कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरा पहला कंगन पूरी तरह से टाइट हो चुका है, उसी सामान मैं दूसरा भी कर दूंगा, ये हैलोजन कंगन और बीच में होल्डर, होल्डर को मैंने वायर अटैच कर दिए। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है दोस्तों, करके थोड़ा स्पीडली बनाना पड़ता है, आप भावनाओं को समझो, वीडियो की स्पीड की तरफ ध्यान मत दो। ये देखिए दोस्तों हमारे दोनों कंगन लग चुके हैं और बीच में होल्डर भी लग चुका है। अब बात आती है वायरिंग की, तो पहले हैलोजन रॉड से दूसरे हैलोजन रॉड तक हमें सीधी सीधी वायर लाना है। फेज और न्यूट्रल दोनों आएंगे दोस्तों, दोनों को अटैच हो जाएंगे। ये देखिए दूसरा भी उसके साथ अटैच हो गया, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए उसके ऊपर टेप लपेट देते हैं। मैंने बताया आपको ये मैं टेम्प्ररी ब्रूडर बना रहा हूँ, आप इसे अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, इसके अंदर पाइप भी लगा सकते हो। ये देखिए दोस्तों ये होल्डर की वायर और वो फोकस की वायर। अब इसे ऑटोमेटिक बनाने के लिए मैं STC 1000 कंट्रोलर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये कंट्रोलर मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा या फिर आप इसे अमेजोन से भी परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। ये इसकी सेंसर दोस्तों जो अंदर का हीट जो होता है वो डिटेक्ट करेंगी,
कि चूजों को टेम्परेचर कितना मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये दो वायर होल्डर के और ये दो वायर फोकस के, 500 वैट वाले फोकस के। ये जो हमारी डायरेक्ट करंट की वायर आने वाली है दोस्तों, वो सीधी सीधी हमने होल्डर को अटैच कर दी, और फोकस में जाने वाली जो दो वायर है उसमें की एक वायर न्यूट्रल के साथ अटैच कर दी है। उसको एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लपेट के टेपिंग कर देते हैं। ये छोटा सा वायर का टुकड़ा दोस्तों सीधा सीधा कंट्रोलर में जाएगा, क्योंकि कंट्रोलर जो है वो भी एसी करंट पे चलता है करके उसे भी हमें न्यूट्रल देना ही पड़ेगा। ये हमारी जो फेज की वायर है दोस्तों, ये सीधा सीधा बल्ब को तो गई है, लेकिन उसके साथ हमने दो छोटे छोटे टुकड़े और एक्स्ट्रा जोड़ दिए, ताकि एक जो सिरा है वो कंट्रोलर को चलाने के लिए फेज कंट्रोलर के अंदर जाएगा, यानी कंट्रोलर को फेज और न्यूट्रल दोनों मिल गए। ये देखिए पहले सॉकेट में फेज और न्यूट्रल दोनों कंट्रोलर को मिल गए। अब बचा ये सिरा और ये सिरा, ये अगर आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करोगे तो हैलोजन रॉड जल जाएगी। वही काम दोस्तों कंट्रोलर का रिले करता है, करके रिले के हीटिंग सॉकेट में हम ये दो सिरे डालने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। पीछे का ढक्कन भी हम लगा देते हैं, अभी से थोड़ा यहाँ पे चिपका देते हैं। इसको थोड़ा ऊंचाई पे लेने के लिए मैं थोड़े से कार्टून बॉक्स के टुकड़े का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसे कैसे भी चिपका सकते हो। ये देखिए दोस्तों, वायरिंग कंप्लीट, कंट्रोलर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। इस कंट्रोलर के बारे में मैं दो बार वीडियो बना चुका हूँ, आप इस कंट्रोलर की पूरी वायरिंग हमारे पुराने वीडियो जाके देख सकते हो, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, नवाब कंपनी के 500 वाट वाले दो रॉट मैं इसके अंदर लगाऊंगा। मैं यही रॉट इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों, शायद पता नहीं आपके तरफ मिलता है नहीं मिलता है, बट ये महंगा आता है बट बहुत सर्विस देता है दोस्तों। ये आसानी से जलता ही नहीं, यानी फ्यूज़ नहीं होता, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ये बहुत दिन तक सर्विस देता है। चलो दोस्तों इसके ट्रायल लेते हैं। ये देखिए बीच वाला लाइट ऑन, यानी हमारी सीधी सीधी वायरिंग में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब कंट्रोलर को सेट करते हैं ताकि हैलोजन जल सके। ये देखिए F1 के अंदर मैं टेम्परेचर सेट कर रहा हूँ 34.5। ब्रूडिंग के लिए दोस्तों मैं 34.5 टेम्परेचर हमेशा यूज़ करता हूँ। ये देखिए 34.5 मैंने ब्रूडिंग के लिए टेम्परेचर सेट किया है। अब इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस होता है दोस्तों लाइट ऑन ऑफ होने के लिए, वो डिफरेंस मैं 1.5 सेल्सियस सेट कर देता हूँ। तो चलो इसकी ट्रायल ले लेते हैं अभी। ये देखिए दोस्तों, फिलहाल हैलोजन रॉड बंद है, क्यों कि नेचुरल टेम्परेचर 35.2% है। इसीलिए दोस्तों सेंसर को मैं पानी की ग्लास में डालूंगा ताकि टेम्परेचर कम हो जाए। जैसे ये टेम्परेचर 33 पे आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए हैलोजन रॉड ऑन। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही इस सेंसर को ग्लास से निकाल के अगर हम हैलोजन रॉड के नीचे रखते, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, 34.5 पे लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगी। ये देखिए ऑफ हो गई, हमारा ऑटोमेटिक ब्रूडर पूरी तरह से काम कर रहा है। अब ये देखिए मैंने इसकी वायर डायरेक्ट प्लग में फंसा दी है, इसे ऑन भी कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, हैलोजन भी ऑन हो चुके हैं, और मैंने पानी पीने के लिए डिंकर, फीडर के लिए छोटा फीडर, और ये हमारा ब्रूडर बच्चों से यानी चिक से 1.5 फीट 2 फीट की ऊंचाई पे आप इसे लगा सकते हो। बीच में सेंसर टंगी हुई है दोस्तों, जो चूजों के आसपास का टेम्परेचर नापेगी और उसी हिसाब से दोस्तों ये लाइट ऑन ऑफ होगी। आप देख सकते हो 34.4, ये 5 लाइट बंद, हैलोजन वाली लाइट बंद हो चुके दोस्तों, क्योंकि सेंसर अंदर का टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहा है। अब सिर्फ उजाले के लिए 100 वाट का बल्ब जो लगाया वही जल रहा है, आप देख सकते हो। मेरे पास चूजे थोड़े कम थे करके मैंने ये कम चूजे डाला है इस ब्रूडर में। इसको टांगने का ये आप आसान सिलसिला देख सकते हो, सीधा सीधा 4 छोटी छोटी तार पे मैंने ये कूलर का जो टप होता है दोस्तों, वाटर टप, उसे मैंने टांग दिया है। ये देखिए दोस्तों, ब्रूडर के अंदर चूजे जो कितनी शांति से आराम से खेल रहे हैं,
साथ में टेम्परेचर उनको सही मिलना है शुरू से लेकर अंत तक। फिर आप ब्रूडिंग 2 दिन करो, 4 दिन करो, 5 दिन करो, 6 दिन करो। बटेर की चूजों की ब्रूडिंग 18-18 दिन तक करना पड़ता है दोस्तों। ऐसे समय में ऑटोमेटिक ब्रूडर बहुत काम में आता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मुझे पता है सब लोगों को दिक्कत जाती है, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कभी टेम्परेचर कम हो जाता है। आप 24 घंटा उसके ऊपर नज़र नहीं रख सकते हो करके अगर आप ऑटोमेटिक ब्रूडर का इस्तेमाल करोगे तो आपके चूजे स्वस्थ रहेंगे और जल्दी ग्रोथ करेंगे। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और ज़रूरतमंद दोस्तों में इसे शेयर करना। आप सभी का धन्यवाद।